गुड मॉर्निंग टू एवरीवन गाइस। मुझे थोड़ा लेट हो गया अगली वीडियो बनाने में, कुछ काम में बिजी हो गया था, चलिए कोई बात नहीं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो है कुछ रूट लोकस ड्रॉ किए थे। आज हम उसी सीरीज में कुछ और रूट लोकस ड्रॉ करेंगे। एक ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें लिख रहा है, आपको क्वेश्चन दिया है कि स्केच द रूट लोकी फॉर Vs इज इक्वल टू k s + 1 / s स्क्वायर प्लस s प्लस 3। ठीक है, एच एस गिवन है 1, मीन्स आपका जो जी एस एच एस होगा वो यही फंक्शन है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आपके पास यही रहेगा। ठीक है, अब इस ट्रांसफर फंक्शन का, इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का आपको रूट लोकस ड्रॉ करना है। तो प्रोसेस वही है रूट लोकस का जो हमने पहले बताया था, एक बार और सुन लो क्या क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहला काम हम करते हैं अपने पोल्स एंड जीरोस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, उनको लोकेट करते हैं। लोकेट करने के बाद नंबर ऑफ ब्रांचेस हमें मिल जाएंगी और हमें ये मिल जाएगा कि किस सेक्शन में, रियल लाइन पर किस सेक्शन में हमारा रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम सेंट्रॉइड फाइंड आउट करते हैं, एंगल ऑफ सेंट्रोड फाइंड आउट करते हैं, आपका इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन इमेजिनरी एक्सिस फाइंड आउट करते हैं, ब्रेक अवे पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, एंगल ऑफ अराइवल, एंगल ऑफ डिपार्चर फाइंड आउट करेंगे। ठीक ना, और तब जाके हमारा रूट लोकस रेडी होता है। तब इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है और कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहले हमने जीरोस कैलकुलेट किया। जीरोस आपके सामने है, यहाँ देखो जीरोस आपके सिस्टम के हैं, s इज इक्वल टू -1, तो एक जीरो है। पोल्स कौन कौन से हैं, पोल आपके डबल पोल बन रहा है s इज इक्वल टू 0 पर। ठीक ना, और एक पोल आपका रहा -3.6 पर। ठीक, तो मतलब टोटल तीन पोल होंगे और एक जीरो होगा। ठीक है जी, जब तीन पोल होंगे एक जीरो होगा तो कितने नंबर ऑफ असिम्प्टोट्स होंगे, p-z। ठीक, तो 3-1 2 असिम्प्टोट्स होंगे, और जब दो असिम्प्टोट्स होंगे तो एंगल ऑफ असिम्प्टोट सिंपल है, एक 90 डिग्री बनेगा, एक 270 डिग्री बनेगा, अभी देखना वही आएगा भी कैलकुलेट होकर। ठीक है, सो इसका अब हम क्या करेंगे, पोल जीरो प्लॉट करेंगे। तो यहाँ आप देखो, यहाँ हमने पोल जीरो प्लॉट इसका किया हुआ है। अब इस पोल जीरो प्लॉट में आप देखेंगे, एक यहाँ पर पोल है, एक यहाँ जीरो है, यहाँ पर एक पोल है। तो यहाँ जो पोल है वो डबल पोल है, मतलब अगर मैं इस सेक्शन को लेता हूँ तो इस सेक्शन के राइट हैंड पर दो पोल्स दिख रहे हैं। ठीक ना, जब दो पोल्स दिख रहे हैं इसका मतलब है कि इस सेक्शन में आपका रूट लोकस लाई नहीं करेगा। कहाँ करेगा, अगर हम इस सेक्शन को लें तो इस सेक्शन के राइट साइड में आप देखिए नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस 3 हो रहे हैं, मतलब ऑड हो रहा है, मतलब इस सेक्शन में आपका रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, इसके इधर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके चार पोल्स एंड जीरोस आपके राइट साइड में हो रहे हैं, इसलिए इस सेक्शन में भी आपका रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कहाँ करेगा, सिर्फ इस पर, इस वाले सेक्शन पे करेगा, और चूंकि इस पर डबल पोल है तो एक पॉइंट यहाँ आपका हो सकता है, ब्रेक पॉइंट। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, कहाँ आता है ब्रेक पॉइंट, अब ये कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स व्हिच इज इक्वल टू 3। ठीक, नंबर ऑफ फ्रॉम द पोल जीरो प्लॉट RL exists in the section between -4 and -1। इस सेक्शन में आपका रूट लोकस एग्जिस्ट करता है। अब हम सेंट्रॉइड फाइंड आउट करेंगे। सेंट्रॉइड क्या होता है, सम ऑफ पोल्स माइनस सम ऑफ जीरोस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोस। तो वहां से आपका क्या कैलकुलेट होता है, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड कितना आया, -1.3। एंगल ऑफ असिम्प्टोट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एंगल ऑफ असिम्प्टोट कितना आएगा, एंगल ऑफ असिम्प्टोट देखो, एंगल ऑफ असिम्प्टोट आपका आएगा वही जो मैंने बताया था, 90 डिग्री एंड 270 डिग्री। ठीक है, फिर हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखें।
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जब हम देखेंगे तो हमारा क्या आता है, 1 प्लस जी एस एच एस इज इक्वल टू जीरो। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे जी एस और एच एस की, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आता है वह एस स्क्वायर एस प्लस 3.6 प्लस के एस प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। अब अगर इसका हमें ब्रेक पॉइंट फाइंड आउट करना है तो ब्रेक पॉइंट के लिए हमें के की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हम डी के बाई डी एस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है जी, तो के क्या आ रहा है यहाँ से देखो, के आपका कैलकुलेट होकर आ रहा है यहाँ से माइनस एस स्क्वायर एस प्लस 3.6 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1। अब जब इसका हम डी के बाई डी एस करेंगे, मीन्स डी बाई डी एस करेंगे, तो हमारे पास कैलकुलेट होकर क्या आता है, वो हमारे पास यहाँ से सॉल्व होकर आता है। देखो एस की वैल्यू एक है जीरो, अब बाकी एक जो दो वैल्यूज हैं वो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आ रही है। ठीक ना, तो जैसा कि हम जानते हैं ब्रेक पॉइंट कभी भी कॉम्प्लेक्स वैल्यूज नहीं हो सकता। ब्रेक पॉइंट जब कभी भी होगा हमेशा ही वो रियल वैल्यू होगा, तो रियल वैल्यू यहाँ पर क्या आ रहा है, जीरो। ठीक है, तो इसलिए हमारा ब्रेक पॉइंट सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, और वो कहाँ पर होगा, जीरो पर। क्लियर है। इसके अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक ना, तो अगला स्टेप देखो आप इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करने का, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को लेंगे और अपना राउथ अरे राउथ टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो जब आरएस टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पर देखो के की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो। के की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो फॉर सस्टेन्ड ऑसिलेशन। ठीक ना, फॉर सस्टेन्ड ऑसिलेशन के की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। जब k की वैल्यू हम जीरो पुट करते हैं तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनती है, 3.6 s स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, मीन्स s स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स s इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो s इज इक्वल टू जीरो पर ही आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है। ठीक है, अब हम इसका रूट लोकस ड्रॉ करते हैं, देखो कैसे करेंगे। तो रूट लोकस ड्रॉ करने के लिए यहाँ देखो मैंने ड्रॉ करके दिखाया हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है आपके लिए। हम क्या करते हैं, पहले अपने एक्सिस ले लेंगे, रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस। फिर हम क्या करते हैं, अपने पोल्स एंड जीरोस लोकेट कर देते हैं। तो यहाँ डबल पोल है, देखो लिख रहा है डबल पोल, यहाँ आपका एक जीरो है, यहाँ आपका एक पोल है। ठीक है, सेंट्रॉइड कहाँ आया था, -1.3 पर, तो यहाँ -1.3 पर हमने सेंट्रॉइड बनाया, और यहाँ से असिम्प्टोट्स हमने ड्रॉ कर दिए। एक असिम्प्टोट हमारा इधर जाएगा 90 पे, एक असिम्प्टोट इधर जाएगा -90 पे, मीन्स 270 डिग्री। ठीक है जी, तो ये हमारे दो असिम्प्टोट्स हो गए। अब इन असिम्प्टोट्स के बाद अगला स्टेप हमारा क्या होता है, अगला स्टेप होता है हमारा ब्रेक पॉइंट का। तो ब्रेक पॉइंट कहाँ आ रहा था, जीरो पे। ठीक है जी, इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ आ रहा था, वो भी यहीं आ रहा था। मतलब कहीं और अब हमें जाने की जरूरत नहीं है, हमारा जो रूट लोकस होगा वो यहाँ से चलेगा, इस पॉइंट से चलेगा। पहला तो यहाँ से चला, यहाँ से चला तो इस जीरो पर आके रुक जाएगा। ठीक ना, इस सेक्शन में आपका रूट लोकस एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ से चलेगा और इस डायरेक्शन में आके रुक जाएगा। पोल से चला, जीरो पे आके रुक गया। ठीक, उसके बाद ये जो आपका पोल है, यहाँ डबल पोल है। ठीक ना, तो ये जो डबल पोल है इससे एक पोल से यहाँ से चलेगा, इधर जाएगा, दूसरे पोल से चलेगा, इधर जाएगा। मीन्स इधर भी आपका एक जीरो है, इधर भी आपका एक जीरो है, इन्फिनिटी पर। ठीक ना, तो यहाँ से जो आपके रूट लोकस चलेंगे वो एक इधर इन्फिनिटी जाएगा, एक इधर इन्फिनिटी जाएगा, और जो यहाँ से चलेगा वो आपके जीरो तक आके रुक जाएगा। यही आपका रूट लोकस बना। ठीक है जी, इस क्वेश्चन के लिए यही रूट लोकस। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। अभी हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे कुछ डाउट्स होंगे तो उनको क्लियर कर देगा। ठीक है जी, तो देखो एक और क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम हैज एन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। सीधे सीधे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आपको गिवन है जी एस एच एस, ठीक है, के एस प्लस वन अपॉन एस एस माइनस वन। इसका रूट लोकस स्केच करना है, रूट लोकस प्लॉट स्केच करना है एज के वेराइज फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी।
ना। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोल्स एंड जीरोस फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ हमने पोल्स एंड जीरोस फाइंड आउट कर लिए। पोल्स हमारे कहाँ कहाँ है, एक जीरो पर और एक वन पे है, ठीक ना। और जीरोस कहाँ है, माइनस वन पे है, ठीक। तो दो पोल हो गए, एक जीरो हो गया, तो आपका जो असिम्प्टोट होगा वो कितना होगा, एक ही होगा, पी माइनस जेड इज इक्वल टू वन। और जब एक ही होगा तो उसका एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा, सिंपल सी बात है, ठीक। अच्छा, और आपका जो है पोल जीरो आपने जब प्लॉट किया, लोकेट किया, तो कहाँ कहाँ बन रहा है, एक आपका पोल यहाँ, एक पोल यहाँ, एक जीरो यहाँ। अब देखो कहाँ कहाँ रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा। इस बीच में हम देखें तो इसके राइट साइड में एक ही पोल है, ऑड है, मीन्स यहाँ पर आपका रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा, इधर यहाँ नहीं करेगा, क्योंकि इधर नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस इवन है। इधर इधर जरूर करेगा, जब हम इस जीरो और इस जीरो के बीच में हैं, जो इन्फिनिटी पर है, ठीक ना। तो इस बीच में जब हम हैं तो यहाँ पर आपका क्या एग्जिस्ट करेगा, रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इसके राइट साइड में तीन पोल्स एंड जीरोस हैं ऑड, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है पहले वालों से, इसमें आपको अब क्या क्या मिलेगा ये थोड़ा सा समझ लो। यहाँ एक पोल है, यहाँ एक पोल है, इन दोनों पोल्स के बीच में जब भी कोई पॉइंट मिलता है, ब्रेक पॉइंट, हम उसको क्या नाम देते हैं, ब्रेक अवे पॉइंट, ठीक है जी। इन दोनों के बीच में जब कभी भी कोई पॉइंट मिलेगा, पोल्स के बीच में जब कभी भी पॉइंट मिलेगा, तो क्या होगा, ब्रेक अवे पॉइंट। अब वो जो ब्रेक अवे पॉइंट है, या तो दो फाइनाइट पोल्स के बीच में हो, या एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट पोल के बीच में, ठीक ना। दोनों केस में आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे ब्रेक अवे पॉइंट। अच्छा, इधर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक ये जीरो है और एक इनफाइनाइट जीरो है, ठीक। एक फाइनाइट जीरो है, एक इनफाइनाइट जीरो है, दोनों जीरो, और इस बीच में भी आपका रूट लोकस एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर यहाँ पे हमें कोई ब्रेक पॉइंट मिलता है, इस ब्रांच में अगर कोई रूट ब्रेक पॉइंट बनता है, तो वो ब्रेक पॉइंट क्या कहलाएगा, ब्रेक इन पॉइंट, क्लियर है। जब पोल्स के बीच में ब्रेक पॉइंट मिलेगा तो नाम क्या होगा, ब्रेक अवे पॉइंट, और जब जीरोस के बीच में ब्रेक पॉइंट मिलेगा तो क्या होगा, ब्रेक इन पॉइंट, क्लियर है। अब इसको देखो हम ड्रॉ करने चलते हैं, कैसे कैसे क्या क्या चाहिए होगा ये देखो, ठीक है जी। तो सबसे पहला काम सेंट्रोइड, सेंट्रोइड हमें चाहिए,